तो पावन नगरी अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर निर्माण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को उनकी जन्मभूमि मिल गई। राम जीत गए और सियासी रावण हार गए। दशकों से अयोध्या विवाद पर सियासत करने वाले सियासी रावणों की शिकस्त हो गई। इस मामले में कई एंगल निकाले गए, कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन फैसले के बाद सब कुछ साफ हो गया। इसके अलावा भारत के लोगों ने जो गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उससे दुनिया भर में एक पॉजिटिव संदेश गया है। लेकिन इन सब चीजों से परे आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिन्हें साधारण तौर पर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन नाम से जरूर जानते होंगे। अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजों में से एक जस्टिस एस अब्दुल नजीर। जस्टिस अब्दुल नजीर मुस्लिम समुदाय से आते हैं और अयोध्या विवाद को सुलझाने वाले 5 जजों में सबसे अहम माने जाते हैं। अब्दुल नजीर धार्मिक मामलों की सुनवाई करने वाले सबसे चर्चित जस्टिस बन गए हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर ने 1983 में वकालत की शुरुआत की थी और 3 तलाक कानून को खत्म करने वाले जजों के पैनल में वो भी शामिल थे। कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के सफर में जस्टिस अब्दुल नजीर ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। बताया जाता है कि अयोध्या फैसले के दौरान जस्टिस नजीर मुस्लिम पक्षकारों के तर्कों से सहमत नहीं थे और संवैधानिक पीठ के दूसरे जजों की तरह उन्होंने विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला को देने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि अयोध्या में सारी बहस सिर्फ इस बात के जवाब के लिए थी कि विवादित जमीन पर मालिकाना हक किसका है। कोर्ट में बहस के दौरान दलीलें भी इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दी गई हैं और आखिर में कोर्ट ने ये माना कि विवादित जमीन रामलला का ही है। हालांकि ये फैसला इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होगा, इसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकेगी। रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका उसी बेंच के पास आती है जो बेंच फैसला सुनाती है। जस्टिस रंजन गोगोई के इस बेंच में उनके अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगर 17 नवंबर के पहले पुनर्विचार याचिका आती है तो इसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ही सुनेगी, लेकिन अगर ये पिटीशन इसके बाद आई तो अगले चीफ जस्टिस तय करेंगे कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान मौजूदा पीठ में जस्टिस गोगोई की जगह 5वां जज कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई की जाए या नहीं की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।